सिर्फ 5 कॉस्मिक कैलेंडर सेकंड पहले, यानी आज से यही कोई 2200 साल पहले तक हमारी दुनिया का ज्यादातर हिस्सा राजाओं के कब्जे में हुआ करता था। उनकी सेनाएं पूरी दुनिया में जहां पर भी जाती थीं, जनता को तकलीफ देती थीं, बलात्कार करतीं, कत्ल करतीं और उन्हें गुलाम बनाने का एक अभियान सा चला देती थीं। मैसेडोनिया कहलाने वाले एक अनजान बैकवाटर इलाके के एक युवक ने 10 साल से भी कम में एक साम्राज्य गढ़ डाला जो एड्रियाटिक से लेकर भारत में सिंधु नदी तक फैला हुआ था। रास्ते में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फारस की अजेय सेना को भी कुचल डाला और करीब करीब इसी समय राजा चंद्रगुप्त ने भी पूरे उत्तर भारत पर जीत हासिल कर ली थी। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने सिंहासन संभाला। जब बिंदुसार का अंतिम समय आया तो उसकी इच्छा सिंहासन को अपने पसंदीदा वारिस को देने की हुई। कहा जाता है कि बिंदुसार ने अपने जिस बेटे को सिंहासन के लिए अयोग्य बताया था वो उसे पाने के लिए इतना बेकरार था कि उसने अपने सभी 99 सौतेले भाइयों को मार डाला। किसी राजा जैसी शानदार पोशाक में वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे पिता के सामने पहुंचा और बोला, अब मैं इकलौता वारिस हूं तुम्हारा। और वो इकलौता बेटा था अशोक, और ये तो बस उसकी शुरुआत थी।